दोस्तों स्वागत है आपका इग्नू वाला में। आप सभी को पता है एग्जाम टाइम में आप रेगुलर हमसे जुड़े रहे, हमारे चैनल पर कॉन्सेप्ट क्लासेस भी होती रही और प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते वो भी होते रहे। अब हमने क्या करा है, हम सोच रहे हैं कि कुछ जो हमारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं लाइक जो सबके कंपलसरी हैं और जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसका मटेरियल भी आपको जल्दी से नहीं मिलता और आप सोचते हो ये मैं आसानी से कर लूँगा, लेकिन होता क्या है वो इतने भी आसान नहीं होते जितना हम उन्हें सोच लेते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ आपके हिंदी के कोर्स कोड की, चाहे वो आपका BS, DL 133 हो, 34 हो, 35 हो, 36 हो, 37 हो या 38 हो, कोई सा भी हो। आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा, मैक्सिमम हिंदी के जो कंटेंट है 50% एक दूसरे से मैच करते हैं, कुछ ही चीज़ें यहाँ पर चेंज हो जाती हैं। ठीक, तो आज बात करूँ BS, DL 137 का। आपकी जो यूनिट वाइज आपको पता है आपकी बुक को बांटा जाता है कैटेगरी वाइज, यूनिट वन, यूनिट टू, जो आपकी बुक होती है अलग से ब्लॉक कहते हैं। ठीक, तो उसको हम पूरा सीरीज से चालू यहाँ पर कर रहे हैं। पॉइंट टू पॉइंट आपको चीज़ें मैं क्लियर करवाऊंगा और जितनी आसान से आसान चीज़ों का यूज़ हम कर पाए उस भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है आप सब इसी तरीके से हमसे जुड़े रहेंगे। चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। आप सभी को पता है आपका जो यूनिट है लाइक आपका ब्लॉक वन है, उसमें इकाई एक संप्रेषण के मूल तत्व है। आपसे मैं सिंपल सी बात पूछूँ, तो आप सभी को याद होगा कि संप्रेषण वाले चैप्टर आपने अच्छी तरीके से पेपर में पढ़ा था, हम सभी ने इसे पढ़ा था। इसका क्या अर्थ होता है, सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं संप्रेषण जो है इसका अर्थ क्या होता है, तो आप सभी को समझ में मैंने बताया भी था, इसका अर्थ होता है बातचीत। क्या होता है इसका अर्थ, बातचीत। बातचीत, और इसे और आसान भाषा में अगर कहने की कोशिश करें तो ये होगा आपका वार्तालाप। क्या होगा, वार्तालाप। ठीक, जो नॉर्मल जब दो लोग आपस में बातें करते हैं वही होता है संप्रेषण। हालांकि हिंदी में संप्रेषण पढ़ाते ही आप सब थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि संप्रेषण क्या है। संप्रेषण कुछ नहीं होता, आपने इंग्लिश की क्लास में पढ़ा होगा कम्युनिकेशन, यही आपका संप्रेषण होता है। ठीक, तो पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए यहाँ पर, और दूसरा ये कभी भी वन वे प्रोसेस नहीं होता। वन वे मीन्स एक ही आदमी, इससे ऐसा नहीं है कि आप खड़े खड़े अपने आप से ही बातें करने लग जाएं, तो ये संप्रेषण नहीं होता। इसके लिए कम से कम आपके कितने लोग होने चाहिए, कम से कम आपके दो लोग आपके कम से कम यहाँ पर होने चाहिए। ठीक, तो ये आपके संप्रेषण की छोटी सी मैंने स्टोरी बताई, और ये इसके पूछ रहा है यहाँ पर मूल तत्व, मीन्स इसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक, इस चैप्टर में खाली आपको पूरी तरीके से है ना संप्रेषण हम कैसे कैसे कर सकते हैं, इसके कौन कौन से तत्व हैं, हालांकि उसका प्रयोजन ये आपसे पूछेगा। तो उम्मीद करता हूँ इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। आप ये मत समझना कि छोटे छोटे पॉइंट्स हमें क्या क्लियर कराएंगे, पेपर करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है स्टूडेंट्स के सामने वो होती है क्वेश्चन को समझना। अब आप कितना भी पढ़ के चले जाइए, अगर आपको यही नहीं पता कि संप्रेषण होता क्या है, तो आप खुद ही बताइए कि आप पेपर में से कर सकते हो। सभी बोलेंगे नहीं, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया संप्रेषण मतलब ये होता है, इसका अर्थ है बातचीत या वार्तालाप करना। कम्युनिकेशन जो इंग्लिश में होता है वो हिंदी में संप्रेषण होता है, और ये वन वे प्रोसेस नहीं होता। मीन्स अगर आपको इसे करना है तो कम से कम दो व्यक्ति आपके पास होने चाहिए, हालांकि कुछ लोग अपने आप से भी बात करते हैं, उसे हम संप्रेषण नहीं कह सकते। ठीक, साइकोलॉजी में उसके अलग अलग नाम है। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। संप्रेषण का अर्थ जो मैंने आपको पहले ही पीछे क्लियर कर दिया, अब संप्रेषण के काफी सारे टाइप्स या रूप होते हैं। क्या होते हैं आपके टाइप्स या रूप, जो मैं आपको बताऊंगा। एक होता है मौखिक संप्रेषण, आप सब मुझे देख रहे हैं, पहला पॉइंट यहाँ पर क्लियर करूंगा, ये होता है आपका मौखिक संप्रेषण। मौखिक मीन्स होता है दोस्तों मुंह से बोला हुआ, मौखिक जो आपका मुंह है, मुंह से बोलकर। ठीक, तो ये कौन सा आपका मौखिक संप्रेषण, और दूसरे की बात करूं आंगिक संप्रेषण की बात करूं, आपको ये थोड़ा कठिन भी लग रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आंगिक यहाँ पर आपको इंडिकेट कर रहा है अंग या बॉडी के ऊपर आपको इंडिकेशन यहाँ पर दे रहा है। आप सभी ने सुना होगा जब आप इंटरव्यू वगैरह देने जाते हो तो कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज भी आपकी नोटिस होती है। क्या होती है, बॉडी लैंग्वेज। तो कहीं ना कहीं आंगिक संप्रेषण का अर्थ होता है आपकी बॉडी लैंग्वेज। बोलते समय आप सब किसी से बात कर रहे हैं, आप अपने ही दोस्त से बात कर रहे हैं,
मान के चलिए आप ये खड़े हैं और आप किसी अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, ठीक, आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं आपका फ्रेंड तो आपके सामने खड़ा है लेकिन आप इस साइड देख रहे हैं और आपका फ्रेंड यहाँ खड़ा है, तो कहीं ना कहीं वो समझ जाएगा आप उसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, वो खुद ही चुप हो जाएगा या वो चला जाएगा। ऐसा अक्सर होता है, आपने देखा होगा जब हम फोन वगैरह पे भी बात करते हैं तो सामने वाले के इंडिकेशन से लाइक हमें संकेत देता है वो हमारी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं। तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है कहीं ना कहीं बहुत ही इफेक्टिव रहती है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, पेपर में आप क्या क्या लिखोगे, इसमें जो सबसे आपका मेन पॉइंट है लाइक वो तो आँख और जो आपके हाथ के लाइक जो जेस्चर्स होते हैं जैसे कहते हैं ना हाव भाव, कहते हैं ना इसके तो हाव भाव ही ठीक नहीं है, या आपकी इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, आँख होती है, हाथ होते हैं, हाव भाव होते हैं, जेस्चर होते हैं, मतलब ऐसा अगर आपसे कोई दुख की बात कर रहा है तो आप भी उसको दुखी होने का प्रतीत दिलाइए, ऐसा नहीं कि आप उसके सामने हंसेंगे, और कोई हंसने वाली बात कर रहा है तो आपको रोना नहीं है, मींस जैसा नेचर है या जैसी वार्तालाप आप कर रहे हैं उसी के अनुसार आपको फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस दिखाने पड़ते हैं। आप इन सब जो इमोजीज है व्हाट्सएप पे इनका खूब यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कोई दोस्त आपका परेशान हो आप उसे ये वाला सेंड करेंगे ना कि ये वाला। इसके अलावा भी आपने काफ़ी सारे इमोजीज वगैरह यूज़ किए हैं, रोने वाला, हंसने वाला, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं जेस्चर्स के ही रूप में हम यूज़ करते हैं। तो आप क्लियर हो गया होगा आपको आंगिक संप्रेषण क्या होता है जिसमें बॉडी पार्ट्स को हम यूज़ करते हैं या बताते हैं, ठीक। अब आपका आता है लिखित संप्रेषण। लिखित संप्रेषण, लिखित आप सब मुझे देख रहे होंगे इस वीडियो में, मैं आप सबको क्या कर रहा हूँ, लिखकर आपको चीज़ें क्या समझा रहा हूँ, लिखकर समझा रहा हूँ आपको चीज़ें, ठीक। तो ये कहीं ना कहीं कौन सा पार्ट है, ये आपका लिखित संप्रेषण का पार्ट है, ठीक। ये वार्तालाप के तरीके हैं, आप लिखकर वार्तालाप करो, मुंह से बोलकर करो, ठीक, या साइन लैंग्वेज आप सबने सुनी होगी, बॉडी लैंग्वेज को आप इससे कनेक्ट आराम से कर सकते हैं, ठीक। चलिए तो आपकी तीनों चीज़ें यहाँ पर क्लियर होगी, पेपर आपका बड़ा आता है। अब मैं आपको बता दूँ जब मुंह से बोलकर मौखिक है, पहले तो आप पेपर में बताइए मौखिक संप्रेषण होता क्या है, फिर उसके एग्जाम्पल दीजिए कि बड़े बड़े नेता हो गए या स्कूल असेंबलीज में स्टूडेंट हो गए या कोई प्रोग्राम्स हो गए, वहाँ मुँह से बोलकर लंबे लंबे भाषण वक्ता देता है, चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो पेपर में आपको यही चीज़ें बड़ी बड़ी करके लिखनी है इस क्लास में। हालांकि आपको पता है अगर आप बुक भी नहीं पढ़ोगे, पेपर के टाइम पे बड़ा कंटेंट भी हम आपको देंगे, लेकिन अभी मैं चाह रहा हूँ कि आपको पता हो कि इनका मतलब क्या है। और आप में से काफ़ी बच्चे इतने समझदार होंगे जिन्हें खाली मतलब ही पता लग जाए तो भी वो पेपर को आराम से करके आ जाएंगे। चलिए, संचार माध्यम, माध्यम होता है आपका मीडियम, लाइक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसे कहते हैं माध्यम। आप इसके क्या क्या माध्यम है, क्या संचार का खाली टेलीफोन ही माध्यम है, ईमेल ही माध्यम है, व्हाट्सएप ही माध्यम है, फेसबुक ही माध्यम है, इसके काफ़ी सारे सोर्स हैं जिनके माध्यम से हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, तो क्या है वही होते हैं संचार के आपके माध्यम, ठीक। इसमें आप एग्जांपल किसके लिख सकते हैं, अगर शुरू शुरू की बात करूँ आप सबको ये आराम से याद होगा, ये क्या है, ये आपका चिट्ठी जो होती थी, इसके ऊपर हमने कई गाने वगैरह भी सुने हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन सभी चीज़ों से हम एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं और हर किसी की अलग क्वालिटी, अलग खासियत है। जहां मौखिक संप्रेषण आपका ऐसा है कि थोड़ी देर बाद शायद आप भूल जाओगे आपने क्या बोला था, वही लिखित संप्रेषण इसका अपोजिट है, आप उसे कभी नहीं भूल सकते। बस इतना सा काम करना है, जो भी आपने लिखा है उसे संभाल के सही जगह पर रखना है, ठीक। तो आपको मैंने बताया ये माध्यम आपने देखा होगा, इसके अलावा एक और चीज़ आपको याद होगी, देखिए मैं कोशिश करता हूँ बनाने की और आप सभी आराम से समझ जाएंगे। ये आपको याद होगा, ये क्या है, ये कहीं ना कहीं आपका रेडियो, आप सभी को पता होगा रेडियो, आज भी हमारे जो गांव के लोग हैं सबसे ज़्यादा इसे ही मानते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता जो व्यक्ति शायद पढ़ नहीं सकता या कम पढ़ लिखा है, रेडियो के माध्यम से वो भी चीज़ों को समझ जाता है, ठीक, समझ जाता है। और संचार जब हम करते हैं किसी एक व्यक्ति से ना कर जब बड़े लेवल पर बात करी जाती है उसे संचार के लेवल पर हम देखते हैं। अगर आप अकेले किसी से बात कर रहे हैं, जब आप जनसंचार वर्ड सुनेंगे, आप इस वर्ड में कंफ्यूज ना हो, आपको ये शब्द जब मिलेगा जनसंचार, तो आप उसमें अकेले वाली बात को इंक्लूड नहीं करेंगे, जबकि संचार की बात आई कम्युनिकेशन में दो व्यक्ति वहाँ बात कर सकते हैं। जनसंचार जब आएगा तो ये बड़े लेवल पर जो सोर्स आपके यूज़ किए जाते हैं रेडियो, तो जनसंचार वो होता है जिसमें एक टाइम पे बहुत सारे लोगों से हम कनेक्ट हो जाएं, और जबकि संचार जो होगा, संप्रेषण जो होगा, वो दो व्यक्तियों के बीच भी हो सकता है, दो से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच भी हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, ठीक। चलिए अगली चीज़ों को यहाँ पर समझेंगे, संप्रेषण के प्रयोजन। प्रयोजन मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये समझें, प्रयोजन मतलब यहाँ पर जो यूज़ किया गया है ये वर्ड, इसका मतलब है आप इसका क्या क्या यूज़ करते हो, क्या क्या इसका इस्तेमाल करते हो, या और आसान भाषा में इसका उपयोग,
इसका उपयोग क्या है, क्या हमने ऐसे ही बना दिया संप्रेषण? पहला, व्यक्तिगत जरूरत। आज आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, आज हर किसी की नीड है। आपको हमसे कुछ चाहिए तो आप हमसे कमेंट करोगे, क्या करोगे, आप हमसे कमेंट करोगे या मैं आप मैसेज करोगे, हालांकि कॉल भी करोगे, तो कहीं ना कहीं क्या है, सबसे पहली चीज़ क्या है, नीड, आप सबकी ज़रूरत है। इसीलिए कहीं ना कहीं नहीं कम्युनिकेशन, यहाँ पर मैं इंग्लिश के वर्ड भी यूज़ कर रहा हूँ, ये मत सोचना कि हिंदी है तो इंग्लिश क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये आसान है। क्लास का पर्पस ये है, आपको समझ में आना चाहिए। अगर मेरे को अच्छी तरीके से पता है ये शब्द तो ऐसे हैं, एक बार को तुम्हें किताब पढ़नी ना आए, लेकिन कमेंट, नीड, मैसेज और कॉल तो तुम्हें हमेशा पता ही होगी। ठीक, तो ये क्या है, आपका व्यक्तिगत जरूरत क्यों है, मैंने आपको बताया, जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपको पता है कि आप पढ़ नहीं रहे हो तो आप कमेंट करेंगे, यूट्यूब चैनल ढूंढेंगे, किताब खरीदेंगे, PDFs खरीदेंगे, कहीं ना कहीं नीड होती है। सबसे पहले ज़रूरत क्या है, नीड है। ठीक, दूसरा क्या है, व्यक्तिगत संबंध। आप सभी, आज मॉडर्न टाइम है, हम सभी के रिलेशंस हैं, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो, रिलेशंस कुछ भी हो सकता है, आपका बॉय का हो सकता है, गर्ल का बॉय से हो सकता है, हमारा फैमिली से हो सकता है, किससे हो सकता है, फैमिली से हो सकता है, इसके अलावा हमारा रिलेटिव्स जो होते हैं उनसे हो सकता है। तो कहीं ना कहीं क्या है, रिलेशंस, कहीं ना कहीं संप्रेषण क्या करता है, एक दूसरे से जो हम बातचीत करते हैं, हमारी बॉन्डिंग उससे मजबूत होती है। आपने अक्सर देखा होगा जिन परिवारों में लोग एक साथ नहीं रहते या ड्यूटी वगैरह के पर्पज से बाहर रहते हैं, उनकी बॉन्डिंग या उनका कनेक्शन इतना अच्छा नहीं होता, तो कहीं ना कहीं ये आपके संबंध को क्या करता है, ये संबंध को आपके स्ट्रॉन्ग करता है, क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक, चलिए उसके बाद आप देख रहे हैं सूचना। देखिए बहुत ही अच्छा इसमें एग्जाम्पल है सूचना। अब आप घर बैठे बैठे इन दिनों क्या कर रहे हैं, आप घर बैठे बैठे चाहे वो रूस हो, ठीक, चाहे वो यूक्रेन हो, एक बात बताइए, क्या आप उन देशों में घूमने गए हो कभी? नहीं, हमने शायद फोटो और पिक्चर्स में ही इनको देखा होगा, लेकिन हम सभी को पता है इस टाइम यहाँ पर लड़ाई चल रही है, वार चल रहा है, कहाँ का प्रधानमंत्री कौन है, आज क्या केस हुआ, दिल्ली में कौन जीता, पंजाब में कौन हारा, तो कहीं ना कहीं सूचना का भी एक बहुत बड़ा इसमें रोल है, इन्फॉर्मेशन का। तो ये सब चीज़ मैं आपको यूज़ बता रहा हूँ। आप सोचोगे संप्रेषण हम क्यों सीखें सर, इसका क्या काम है, तो इसका काम ही काम है, ये व्यक्तिगत आपकी ज़रूरत है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसे इंडिविजुअल या व्यक्तिगत आपकी ज़रूरत है। व्यक्तिगत मतलब पर्सनल हर किसी के, ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति के लिए चाहिए बाकी सबके लिए नहीं चाहिए, तो व्यक्तिगत ज़रूरत है। इसके अलावा आपस में बातचीत, अब आपको पता है बातचीत, इंडिया की बात करूं, देखिए आप सभी से पर्सनल ला लें, बतौड़े हम सब एक नंबर के होते हैं, बातचीत चाहे वो आपका गप्पे मारना हो, क्या हो, गप्पे मारना, हालांकि सबसे ज़्यादा हम यहीं पर करते हैं बातें, गप्पे मारना हो, मौज मस्ती करना हो या चैटिंग करनी हो या चैट जिसे आप कहते हो, चैट करना हो, तो कहीं ना कहीं बातचीत करना भी एक संप्रेषण के अंदर आता है। आपस में बातचीत, आग्रह जो वर्ड है ये आपका रिक्वेस्ट को दिखाता है। आपने हमसे रिक्वेस्ट करी कि सर या ये इग्नू वाला जो चैनल है, यहाँ पर आप कुछ भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें पढ़ना है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा कोड है, उसके बाद हम आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं और आपके लिए क्लासेस वगैरह बनाते हैं। तो आपको अगर किसी से आग्रह करना है तो कहीं ना कहीं पहले उससे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी ना, या डायरेक्ट आप ऑर्डर देते हो, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ किस लिए आपका ज़रूरी है। उसके बाद है मनोरंजन की अगर मैं बात करूं, इन दिनों ये मनोरंजन ना रहकर काफ़ी अलग ही डायरेक्शन में जा रहा है। हाँ, मनोरंजन, आपकी आए दिन नई मूवीज़ वगैरह रिलीज होती रहती हैं, चाहे वो आदि पुरुष हो, हालांकि मैं ऐसी बात नहीं कहूँगा आदि पुरुष हो, चाहे वो आपका क्रिश 3 हो, ठीक, चाहे वो आपका धूम हो, हालांकि पुरानी पिक्चर भी कुछ मैंने ऐड इसमें कर दी है। तो मनोरंजन का कहीं ना कहीं आप वहाँ जाते हैं, मूवीज़ को देखते हैं, समझते हैं, अपनी अपनी राय देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका मनोरंजन का भी ये फैक्टर है किसमें, आपका संप्रेषण में। ठीक, तो मैंने आपको संप्रेषण के यूज़ बताए, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कैसे कैसे यूज़ होता है, और हालांकि किताबी भाषा की बात रही, आप इतने समझदार हो चुके हैं, ग्रेजुएशन में आप पढ़ रहे हैं, आप बस पॉइंट को समझिए क्यों ज़रूरी है। क्या आप फैमिली के बारे में 5 लाइन नहीं लिख सकते? क्या आप सूचना के बारे में 5 लाइन नहीं लिख सकते? क्या आप गप्पे मारना है, मौज मस्ती है, चैट क्या होता है, इसके बारे में 5 लाइन नहीं लिख सकते? पेपर को बड़ा करना आपके हाथ में होता है, बस जो मेरा मानना है, अगर आपको चीज़ें क्लियर होगी, आप पेपर को 10 लाइन का कर सकते हो, 50 लाइन का कर सकते हो, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है मुझे लिखना क्या है, तो आप उसे 1 भी लाइन का नहीं कर सकते। ठीक, चलिए आगे चलते हैं।
संप्रेषण की प्रक्रिया, ठीक। अब जो संप्रेषण का आपका प्रोसेस होता है, अभी अभी आपने जानी जरूरत, उसके क्या क्या, उसकी प्रक्रिया में क्या क्या चीज होती है। एक तो होता है आपका स्रोत, जिसे आपको सोर्स कहते हैं, सोर्स कहते हैं। दूसरा जो आपकी वक्तव्य क्षमता, लाइक जो बोलने वाला है या संप्रेषण करता है उसकी कैपेसिटी देखी जाती है, वो कितना उसे आता है, कितना वो बोल सकता है, ठीक। ये वाला जो पॉइंट है आपका, ठीक, उसकी कैपेसिटी मीन्स यहाँ पर क्षमता देखी जाती है। दूसरा संदेश, आप क्या मैसेज देना चाहते हो। मीडियम, मीडियम मैंने आपको अभी भी बताया, माध्यम, क्या माध्यम है आपके संदेश का। और रिसीव, जब आपको संदेश प्राप्त हो जाता है आप उस पर क्या रिफ्लेक्शन मीन्स प्रतिक्रिया करोगे। ये क्या है आपके स्रोत, संप्रेषण, लाइक आप जो भी संप्रेषण या मैसेज वगैरह कर रहे हो। एक तो होता है सोर्स, आपका क्या सोर्स है, आपको कोई सूचना मिली, सोर्स आपका कौन है। आपका जो सोर्स है, अगर मैं बात करूँ सिंपल सी, जो आपका सोर्स है, ठीक, वो क्या है। सोर्स आपका कुछ भी हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, ठीक, बुक हो सकती है, ठीक, टीवी हो सकता है, सोशल ऐप हो सकता है, कोई भी आपका सोर्स होता है, हो सकता है संप्रेषण का। ये थोड़ी है कि संप्रेषण एक ही जगह से आपको मिलेगा, क्या क्या उसके सोर्सेज हैं। उसके बाद है वक्तृत्व क्षमता, लाइक आप जो भी बातें कर रहे हो, जो भी बातें कर रहे हो, उन बातों को करने की आपकी कैपेसिटी है या उसके बारे में नॉलेज है। जब भी तो आप उस चीज़ को करोगे जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। वही बात मैंने अभी अभी आपको क्लियर की कि आप जो पेपर देने जा रहे हैं, अगर आपको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है तो आप खुद ही बताइए क्या आप उसके बारे में 2-3 लाइनें भी लिख पाएंगे। तो ये होता है संदेश, आप सामने वाले को क्या संदेश देना चाहते हैं, उसे क्या समझाना चाहते हैं, आप उसकी मदद करना चाहते हैं, आप उसकी क्या मदद करना चाहते हैं, उसे कुछ समझाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। तो कई कारण हो सकते हैं, हेल्प करना, समझाना या उसे अलर्ट करना। तो कहीं ना कहीं ये सब किस में आएगा आपके, या आपके संदेश, उसे क्या मैसेज देना है। मीडियम मैंने आपको बता ही दिया, आपका मीडियम क्या हो सकता है, भाषा का भी यहाँ पर 2 पार्ट होंगे, या तो हिंदी में समझाना चाहते हो, इंग्लिश में समझाना चाहते हो, कोई अलग भाषा है। आपको मैंने तरीके बताए, मौखिक, लिखित, सांकेतिक, आंगिक, ये सारे पार्ट मैंने आपको बताए। उसके बाद रिसीवर, रिसीवर को प्राप्त हो रहा है, उसके बाद वो रिप्लाई कर रहा है नहीं, उसकी प्रतिक्रिया क्या रही। जैसे व्हाट्सएप पे आप देखते हो 2 टिक आ गए, उसके बाद भी आपको रिप्लाई नहीं मिलता, आपको गुस्सा आ जाती है, तो कहीं ना कहीं इस पर प्रतिक्रिया भी होनी चाहिए। मैंने शुरू में ही कहा था संप्रेषण खाली एक ही व्यक्ति अकेले अकेले बात नहीं करता। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई कि संप्रेषण की प्रक्रिया में सोर्स, जो वक्ता है उसकी कैपेसिटी, संदेश क्या भेजना चाहता है, मीडियम क्या है उसका, और जो प्राप्त करता है। अगर प्राप्त करता को मैसेज मिल गया, मान के चलिए आपने हमें कमेंट करा, कोट्स डाले, लेकिन फिर भी हम उस पर वीडियो ना बनाए, तो हमारी इस पर प्रतिक्रिया क्या है, हमारी इस पर प्रतिक्रिया ना के बराबर। आप सब समझ जाएंगे कि अगली बार हम कमेंट नहीं करेंगे या हमारे लिए वीडियोज नहीं आई, तो आपको कोई ना कोई प्रतिक्रिया देनी पड़ती है, ठीक। चलिए, सफल संप्रेषण के अवरोध। अब देखिए, आप एक बात आप सभी क्लियर जानते हैं, अवरोध मतलब होता है बैरियर, बैरियर, ठीक। आप सभी ने देखे होंगे, आप जिस भी स्टेट के हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो यूपी पुलिस हो। अब मैं आपको समझाना चाहूंगा मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ। आपने रोड पे देखा होगा इस टाइप्स के कुछ नेट्स टाइप के, वो लोहे के खड़े रहते हैं, ठीक। मैं आपको जो समझा रहा हूँ उस पर समझने की कोशिश करिए, ये मत देखिए सर ये क्या बना रहे हैं, ठीक। तो ये आपके क्या होते हैं, इसमें व्हील्स टाइप होते हैं, वो होता है बैरियर। वो बैरियर किस लिए होता है, अगर कोई रूल वगैरह को फॉलो नहीं करता, या कोई व्यक्ति जा रहा है या कोई बाइक पे बैठ के जा रहा है, वो बैरियर क्या करता है, वो बैरियर आपको अलर्ट करता है रुकने के लिए, या उस पर लिखा रहता है आपका स्टॉप, क्या होता है स्टॉप। वो आपको क्या करता है, रोकता है, अवरोध करता है। लेकिन कम्युनिकेशन या संप्रेषण की प्रक्रिया में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको रोकते हैं, आपकी बातचीत को ख़राब करते हैं, यही होता है आपका बैरियर। मान के चलिए आप ड्राइंग पे मत जाइएगा, आप समझिएगा सर समझाना क्या चाह रहे हैं। या आप साइकिल वगैरह कुछ भी, या बाइक वगैरह को लेकर जा रहे हैं, आप चला के लेके जा रहे हैं, आपने यहाँ पर देखा कि बोर्ड लगा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, अपनी बाइक या साइकिल को रोक देंगे, लेकिन जो यहाँ पर जाने की कोशिश करेगा उसे क्या करेंगे, पुलिस वगैरह जो भी पकड़ लेगी। तो ये बैरियर ये होता है आपका। संप्रेषण में क्या हो सकता है, अभी आपको मैं बताऊंगा इसमें कैसे बैरियर हो सकते हैं। बैरियर के लिए रो गया, चलिए इसमें हो सकता है शब्दों का गलत चुनाव। मीन्स आप जो बातचीत कर रहे हैं, आप जो कुछ समझा रहे हैं, आपने जो वर्ड्स लिए हैं, क्या लिए हैं वर्ड्स। अब आपको मैं क्लास, आपकी क्लास ले रहा हूँ, लेकिन मैं शब्द यहाँ पर कैसे, अगर मैं कठिन शब्द यूज करूंगा यहाँ पर, तो आप सब बच्चों को जो पता भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप उन्हें समझ नहीं पाओगे, तो आपके लिए बैरियर का काम करेंगे। एक बात बताइए, आप अपनी हमारी क्लास क्यों लेते हो, क्योंकि आपको चीज़ें आसान लगती है। ज़्यादातर बच्चों को ये मानना है कि एक बार में ही समझ आ जाता है, पेपर में जो क्वेश्चन बताते हैं वही आते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या है, तो
तो शब्दों का जो हम चुनाव करते हैं, जो हम लैंग्वेज रखते हैं, जो हम भाषा का यूज़ करते हैं, कहीं ना कहीं वो देखा जाता है एकदम ईजी से ईजी, आसान से आसान चीज़ों को हम ले और आप तक पहुँचाएँ। तो सबसे पहले क्या होता है, शब्दों का गलत चुनाव हम नहीं करते। दूसरा, गलत संदेश। हालांकि 1% में मान सकता हूँ हमने आपको कुछ पढ़ाया हो, या हमने अनफॉर्चुनेटली कभी कह दिया हो कि इस शब्द का मतलब ये है, इस शब्द है इसका मतलब यह है, तो और हालांकि उसका मतलब कुछ और हो एज पर आपके सिलेबस, तो कभी ना कभी गलत संदेश भी यहाँ से चला जाता है। मैंने अभी अभी आपको बताया 1% चांसेस है, हालांकि हम उसे पहले पूरा कन्फर्म करते हैं इस शब्द का क्या मतलब है। जिस सब्जेक्ट में आप पढ़ रहे हैं उसके पर्पज से हर शब्द का मतलब अलग अलग होता है एज पर उसके सब्जेक्ट, एज पर उसकी डेफिनेशन। तो गलत संदेश भी कभी कभार यहाँ पर चला जाता है। आप सामने वाले से माफ़ी मांग रहे हैं लेकिन आपके शब्द ऐसे हैं जैसे उसे डांट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको गलत मैसेज। भाव भंगिमा मीन्स आपके जो मैंने अभी इमोजीज बना के दिखाई थी, अब आप किसी को कुछ कह रहे हैं, बात तो है वो रोने वाली लेकिन आप उस पर हंस रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो दूसरे की जो फीलिंग्स है, उसको क्या करेगा, उसको एक तरीके से वो ये करेगा कि वो समझ जाएगा कि व्यक्ति जो है मेरी बात को नहीं समझ रहा। भाव भंगिमा मीन्स आपको जो उसकी बातें हैं या उसके शब्द हैं उसको समझना पड़ेगा। क्या पड़ेगा? शब्दों को आपको समझना पड़ेगा, उसी के अनुसार आपको रिएक्शन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है सामने आपके कोई व्यक्ति रो रहा है, दुख प्रकट कर रहा है और आप उसके सामने हंस रहे हैं या चुप हैं, तो भाव भंगिमा में आपके यही इमोशंस आते हैं। एज पर सिचुएशन आपको बदलना चाहिए, ये तो सिंपल बात है। अगर आप किसी के यहाँ दुख के समय में गए हो तो आपका फेस से ही दिख जाता है कि दुखी है, और आपकी कोई लॉटरी लगी है, आपको पैसे पा गए, तो आपका फेस कुछ इस तरीके से हो सकता है। अलग अलग टाइम में अलग अलग सिचुएशंस हमारी हो सकती हैं। भाव मीन्स होते हैं, अगर आपको नहीं पता, इमोशंस होते हैं। इस शब्द को तुम बहुत अच्छी तरीके से जानते हो और इसका यूज़ भी आप डेली पता नहीं कितनी बार करते हो, मेरे तो इमोशंस से खिलवाड़ हो गया या मुझे धोखा मिल गया। तो ये भाव भंगिमा यही चीज़ होती है, सुनना और समझना। अब आप किसी को कुछ कह रहे हो, उसने आपकी बात सुनी ही नहीं, तो फिर वो समझेगा कैसे? सुनना और समझना एक दूसरे से बहुत ही लाइक कहते हैं ना पक्के वाले दोस्त, जैसे एक सिक्के के दो कॉइंस होते हैं, हेड और टेल दो साइड होते हैं, ऐसे ही सुनना और समझना बहुत जरूरी होता है। अब आपने एक क्लास देखी, मान के चलिए एक क्लास देखी और इसकी स्पीड कर दी 2x, मान लीजिए, गैस कर लीजिए 2x, आपने सुना तो आपने वो सब कुछ सुना जो मैंने कहा लेकिन समझ में आपको नहीं आया, तो कहीं ना कहीं वो 2x स्पीड आपकी तसल्ली के लिए तो आपने वो क्लास देख ली, लेकिन जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी वो सुनना आपके किसी काम का नहीं है। तो सुनना और समझना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा? शब्दों का गलत चुनाव, जो भी आप चीज़ें किसी को समझा रहे हैं वो शब्द आपको देखने चाहिए कैसे कैसे शब्द हैं। अब आप छोटे बच्चे को कुछ पढ़ा रहे हैं तो छोटे बच्चे वाले शब्द यूज़ कीजिए, बड़े को पढ़ा रहे हैं बड़े बच्चे वाले यूज़ कीजिए। अभी थोड़ी उर्दू फारसी अरबी के शब्द हम ले आए, जिस भी भाषा के हमें, जिस भी प्रांत में हम रहते हैं उन्हीं चीज़ों को यूज़ करेंगे। गलत संदेश नहीं जाना चाहिए आपका, आपने जो पढ़ाया या जो आप समझा रहे हो ऐसा नहीं है आपको खुद को ही नॉलेज नहीं है, उसे आप गलत गलत चीज़ें समझा रहे हो। हालांकि 1% में मानता हूँ गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं, लेकिन फिर भी हमें 99% श्योर होना चाहिए कि इसका मतलब यह है, ये चीज़ें हम इसको पढ़ा रहे हैं, ठीक। हालांकि जो चीज़ें मैंने यूज़ करी है मैं समझ सकता हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा, पेपर टाइम में इतना टाइम नहीं होता कि आपको हम बता सके। भाषा ज्ञान, अब आप एक बात बताइए, आप किसी को संदेश वगैरह भेज रहे हैं, आपको लाइक आप हिंदी में भेज रहे हैं मान लीजिए, और कोई इंग्लिश में भेज रहा है, और कोई हमारा दोस्त हो सकता है उर्दू में भेज रहा है, या अलग अलग भाषा है। हिंदी लिखने वालों को मात्राओं का ही ज्ञान नहीं है, क्या है? मात्रा का ज्ञान नहीं है। तो वो एक बात बताइए, कितना भी अच्छा लेटर लिख ले क्या सामने वाला समझ पाएगा? इंग्लिश लिखने वाले को टेंस नहीं आते, हालांकि आप बोलोगे सर ये एक क्या बात लिख रहे हो, मैं यही बता रहा हूँ आपको जो लिख रहे हो। उर्दू वाले को उर्दू के जो आपके शब्द हैं या उनका अर्थ ही नहीं पता, खाली वो ये तो जानता है उर्दू कैसी दिखती है, शब्द और अर्थ नहीं पता। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ समझ गए होंगे कि भाषा का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। हिंदी लिख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए यहाँ स्वर क्या होते हैं, ठीक, वर्ण क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, ठीक, उसके बाद वाक्य क्या होता है, मुहावरा क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप इंग्लिश लिख रहे हो तो आपको पता है, आप सामने वाले से जो चीज़ कह रहे हो आप प्रेजेंट में कह रहे हो, पास्ट में कह रहे हो या फ्यूचर में कह रहे हो, तो ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए। तो ये भाषा ज्ञान होना आपको बहुत ज़रूरी है।
आप किसी भी भाषा में, कभी कभार क्या होता है शो ऑफ के चक्कर में हम इंग्लिश में बात करने की कोशिश करते हैं और कुछ अटक जाते हैं या कुछ चीज़ों को स्किप कर देते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगा आपको मैं, एचआर। जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो एचआर के सामने पूरी कोशिश करते हो, जब वो बोलता है आपसे टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आप पूरी कोशिश करते हो मैं फ्लो में बोलूँ, लेकिन कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा अटक जाता है जिसपे आप क्या हो जाते हो, आपका माइंड हो जाता है ब्लॉक और आपका फेस हो जाता है कुछ इस तरीके का कि अब मैं क्या करूं। क्योंकि इंग्लिश हमने सीख तो ली, हमने सीख ली, और मैं यूँ नहीं कहूँगा आपको आती नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से हम हिंदी के एक एक शब्द का मतलब समझ सकते हैं, अब वो राष्ट्रपति के बारे में भी पूछ ले तो आप हिंदी में बता सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सोचेंगे प्रेसिडेंट कहूँ या चीफ मिनिस्टर कहूँ या प्राइम मिनिस्टर कहूँ, थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। हालांकि आपको पता है प्रेसिडेंट है, तो इंग्लिश में फिर उसके बारे में आपसे 5 लाइन पूछ ले तो शायद आप वन नहीं बता पाएँ। तो भाषा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी, या आपका जो ब्लॉग था हिंदी का उसकी यूनिट बनती, और इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहें। उम्मीद करता हूँ आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।